सी आई टी -E एन सी ई आर -E टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा पाँच की पाठ्य पुस्तक हमारे आस पास का चौदवा पाठ जब धरती कापी पृष्ठ संख्या एक सौ इकतीस एक, एक बुरा सपना ओह क्या हुआ ओह बचाओ बचाओ जल्दी आओ चारों तरफ चीखने, चिल्लाने की आवाजें पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आँख खुल गई मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गईं वे भागी आईं और मुझे अपनी छाती से लगा लिया ओह यह तो सपना था छह साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था उस भूकंप को आए छः साल से भी ज्यादा हो चुके हैं पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो जमीन हिल रही है मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जज्मा हूँ बात तब की है जब मैं सिर्फ ग्यारह साल की थी उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर छब्बीस जनवरी की परेड देख रहे थे अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी सभी लोग घबरा इधर उधर भागने लगे किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए पृष्ठ एक कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया हमारा सारा सामान कपड़े बर्तन खाना सब कुछ मलबे में दब गया उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरम पट्टी करना गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा था डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटें भी लगीं मेरी टांग भी टूट गई गांव के छह लोग दबकर मर गए नाना भी मलबे में दब गए माँ तो दिन भर रोती रहती थी माँ रोती तो मैं भी रोती पूरा गांव ही दुखी और परेशान था हमारे गांव के सरपंच मोटा बापू के घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया कई दिन तक गांव की औरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर सभी गाँव वालों के लिए खाना पकाती रहीं इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो चर्चा करो और लिखो क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की उनकी सूची बनाओ पृष्ठ 133 फिर पहुंची मदद कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे जैसे कोई तमाशा लगा हो ये लोग हमें खाने पीने की चीज़ें कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं खूब छीना झपटी होती थी इन चीज़ों के लिए कपड़े मिलते पर कितने अजीब से ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए सोचो जनवरी फरवरी का महीना कड़कती ठंड और छत के नाम पर प्लास्टिक का तंबू। उन लोगों में कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है गांव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घरों के खास डिजाइन दिखाए उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा पर गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही न लगे आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे संस्था के सुझाए डिजाइन के अनुसार यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग सब सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोद कर चिकनी मिट्टी लाए मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रख कर खड़ी की चूने से दीवारों की पुताई की घास भूस की छतें बनाई पृष्ठ एक सौ फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया हमारे घर की दीवारों पर मां और मैंने चित्रकारी की अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है चर्चा करो जस्मा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए ये कौन लोग होंगे इन लोगों ने किस प्रकार की मदद की होगी जस्मा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया घरों को अब कैसे मजबूत बनाया सोचो अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खतरा होगा तुम कहाँ रहोगे ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए क्या करोगे लिखो अपने घर की तुलना जस्मा के घर से करो दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीजों की सूची कॉपी में बनाओ जैसे जस्मा का घर कहाँ है आपका घर कहाँ है आदि क्या, क्या क्या करें संस्था के लोगों ने जस्मा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए पृष्ठ 135 अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल आओ अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मज़बूत चीज़ जैसे मेज़ के नीचे छिप जाओ उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जाए कंपन रुक जाने तक इंतज़ार करो चित्र में देखो भूकंप आने पर क्या करोगे चित्र में एक लड़का है जो एक मेज़ के नीचे बैठा है और उसने दोनों हाथों से मेज़ के पैर पकड़ रखे हैं आओ इसी तरह तुम भी करो अभ्यास करना है क्या जब हो भूकंप का आभास क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकंप जैसी मुसीबत के समय क्या करना चाहिए भूकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने को क्यों कहा गया है किसने की मदद भुज में आए भूकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं अहमदाबाद 26 जनवरी 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हजार लोगों के मरने की आशंका है कई हजार लोग घायल हो गए बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है अहमदाबाद शहर में कम से कम डेढ़ सौ इमारतें ढह गईं इनमें लगभग एक दर्जन बहुमंजिली इमारत थी आज शाम तक इनके नीचे से कम से कम ढाई सौ शव निकाले जा चुके हैं कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं बचाव कार्य तेज़ी से चल रहा है शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हों भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं पृष्ठ एक लिखो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता क्या अंतर होता ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह की राहत की ज़रूरत पड़ी होगी ऐसे में किन किन की मदद की जरूरत पड़ती होगी और किस काम के लिए कॉपी में तालिका बनाकर लिखो किन किन की मदद की ज़रूरत पड़ी जैसे कुत्ता काम में मदद उसने क्या काम में मदद की सूँग कर जानना कि लोग कहाँ दबे हैं इसी तरह आप भी तालिका बनाएं चर्चा करो क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो ऐसा कब कब देखा है लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता यानी तुम्हारे आसपास कोई न रहता तो कैसा होता जैसे तुम किसके साथ खेलते क्या अकेले डर लगता सभी त्यौहार और ख़ास मौके किसके साथ मिलकर मनाते इत्यादि लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें जान और माल का भारी नुकसान होता है कई लोग बेघर हो जाते हैं पिछले कुछ एक महीनों के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप बाढ़ आग तूफान आदि के बारे में समाचार इकट्ठे करो उन्हें कॉपी में चिपकाओ पृष्ठ एक सौ तुम्हारी समाचार रिपोर्ट तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिसमें इन बातों का जिक्र हो संकट का कारण तारीख और समय किस किस तरह के नुकसान हुए जान माल रोजगार का नुकसान कौन कौन लोग मदद के लिए आए और जिम्मेदारी ली कौन कौन से सरकारी दफ्तर तथा अन्य संस्थाएं क्या तुम्हारे इलाके में सभी लोगों ने भूखमरी सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है ऐसे समय में खाने पीने की भारी कमी हो जाती है अखबार से देश विदेश की ऐसी खबरें ढूंढो और उन पर रिपोर्ट तैयार करो किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है इनसे संपर्क करने के लिए तुम इनके फ़ोन नंबर तथा पूरा पता कॉपी में लिखो इस सूची में कुछ और नाम भी जोड़ो सूची इस प्रकार हो पता और फोन नंबर जैसे दमकल केंद्र पता फ़ोन नंबर नज़दीकी अस्पताल पता फ़ोन नंबर एम्बुलेंस पता फोन नंबर पुलिस थाना पता फोन नंबर पृष्ठ एक सौ अड़तीस पहचानो संकट के समय को इन शब्दों की मदद से रिपोर्ट तैयार करो बाढ़ नदी का पानी घायल लोग खाने के पैकेट राहत कार्य कैंपों में रहना लोगों के शव जानवरों के बहते शरीर डूबे घर आकाश से निरीक्षण दुखी लोग गंदे पानी से बीमारियां, बेघर लोग सामूहिक भोजन फंसे लोग हम क्या समझे बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियाँ आती होंगी चित्र देखो यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक महिला बाहर बच्चों को पढ़ा रही है बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं बताओ और लिखो बाढ़ के बाद भी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में और क्या क्या करना पड़ा होगा जब धरती कापी अभी आप सुन रहे थे कक्षा पांच की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का चौदहवा पाठ